हेलो बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी लेसन पूरा कर दिया था फर्स्ट। अब आएंगे, अब वापस चलते हैं उसी लेसन में, और क्वेश्चंस कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। देखो द लास्ट लेसन, इसमें क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, इस पेज पे नहीं है, कहीं कहीं हैं। जैसे बिफोर यू रीड लिखा होता था ना पहले, इस तरह से थिंक एज यू रीड। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उस दिन स्कूल में क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए था फ्रेंच को। दूसरा क्वेश्चन है, वॉट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्या अनयूजुअल था कि भाई सब कुछ साइलेंट था, टीचर अपने ड्रेसेस पहने हुए था, बच्चे बिल्कुल शांत थे, ये बड़ी अजीब चीजें थी। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, और ये आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं, ये आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं। आपको ये पहली दूसरी के या नर्सरी के जी के छोटे बच्चे नहीं है, काफी बड़े हो गए हैं, और आपको लिखना भी जरूर आना चाहिए, सेल्फ राइटिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नाउ इस पेज पे भी कोई क्वेश्चन नहीं था, नीचे है दो क्वेश्चन, ये देखो। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन दैट स्कूल, इन स्कूल दैट डे। क्या चेंजेस आ गए भाई, पहले कभी साइलेंट नहीं होता था, आज बिल्कुल साइलेंट है, ग्रामीण लोग भी वहां पर आकर बैठ गए हैं। ठीक है, ओल्ड हॉसर, पोस्ट मास्टर, फॉर्मर टीचर्स, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सभी लोग वहां आ गए हैं, काफी चेंजेस हो गए हैं, ये सवाल में जवाब देना है। और हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स की फीलिंग अपने मास्टर जी के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई, कैसे वो एकदम इमोशनल हो गया और उसको ये लगने लगा कि नहीं मुझे सीखना चाहिए था, अरे अब देखो लैंग्वेज खत्म होता जा रहा है, ये बातें हो गई। तो पांच ही क्वेश्चन है ऐसे छोटे छोटे, ये आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में खुद से। ठीक है, लेसन अवेलेबल है, इस लेसन में इसके जवाब है। ठीक है, फाइंड आउट एंड राइट। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन देखो, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। वॉट शोज यू दिस, वाई डज दिस हैपन, ये सब कैसे होता है और किस तरह से आप इसको देखते हैं, कौन सी चीज से ये पता चलता है कि वाकई में उसकी लैंग्वेज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंस, वॉट कुड दिस मीन। फ्रेंच ये सोचता है कि क्या वो जो लोग जर्मन वाले लोग हमारे पक्षियों को भी पीजेंस को भी जर्मन सिखा देंगे, उसका ये कहने से क्या। यस, फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंस, वॉट कुड दिस मीन। फ्रेंच क्यों ये सोचता है कि क्या वो जर्मन लोग इन पीजेंस को भी जर्मन में बोलना सिखा देंगे, उसका ऐसा सोचने से क्या मतलब था। दरअसल वो उनपे कटाक्ष कर रहा था कि वो किस किस को बदलेंगे, किस किस को चेंज करेंगे। ठीक है, एंड देयर कुड बी मोर देन वन आंसर ऑफ इट, इसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब किसी एक वर्ग के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वो एक अपनी लैंग्वेज से बंधे होते हैं, समझो अपनी जेल की चाबी उनके पास ही होती है, अर्थात वो उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है,
थिंक अबाउट द टेक्स्ट, बस इतना है. कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री वेयर ए कॉन्क्यूर्ड पीपल, कॉन्क्यूर्ड मतलब किसी चीज पर जीत हासिल करने वाले वर्ग, कॉन्क्यूर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देयर फ्रॉम देम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज ऑन देम. क्या कभी आपने हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा है कि कोई विजेता लोग अच्छे वर्ग के लोगों की लैंग्वेज उनसे छीन ली गई और उन पर कोई दूसरी भाषा थोप दी गई? अगर आपके पास हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल है तो जरूर सोचिए. What happens to a linguistic minority in a state? भाषावादी माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी समझते हैं जो कम मात्रा में लोग होते हैं, और मेजोरिटी जो ज्यादा मात्रा में होते हैं. माइनॉरिटी छोटी कास्ट के बारे में बोला जाता है, जिसको देश छोटी कास्ट कहता है, वैसे कास्ट कोई छोटी नहीं होती है. What happens to a linguistic minority in a state? ठीक है, एक राज्य में, एक देश में माइनॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है? How do you think they can keep their language alive? और तुम्हारे हिसाब से कैसे वो अपनी भाषा को जिंदा रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पंजाबीज इन बेंगलोर, मान लो बेंगलोर में आप पंजाबी ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेंगे, तो वो कैसे अपनी भाषा को जिंदा रखें? और तमिलियंस इन मुंबई है, कन्नडीगर्स इन दिल्ली और गुजरातीज इन कोलकाता. इट इज पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार. It is possible to carry. Is it possible to carry pride in one's language too far? क्या ज्यादा समय तक अपनी ही भाषा को बनाए रखना possible है? ये पूछ रहा है. ये सिर्फ आपकी thinking पे based है, और आपको यही लगता है कि जो हम लिख लें रट लें बस यही English होता है. Thinking अगर बढ़ेगी तो language लिखना आएगा, language अगर लिखना आएगा तो ही answer करने आएंगे. आपके पास आर्टिकल है, स्पीच है, आज साल स्पीच तो नहीं है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, ये लिखना ही तब आएगा जब आपकी थिंकिंग ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी. एक और क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कैरी, ओके हो गया. डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चाविनिज्म मींस? ये लिंग्विस्टिक चाविनिज्म होता क्या है, क्या आप जानते हैं? चाविनिज्म अवेलेबल है इस वर्ड का मीनिंग, तो ये पढ़िएगा. अच्छा, और क्या करना है वो देखो. इसके अलावा लिंग्विस्टिक चाविनिज्म, इसको बिल्कुल ढूंढ के पढ़ना है. अच्छा, वर्किंग विद वर्ड्स. इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस. दैट इंक्लूसिवनेस इज वन ऑफ द रीजन्स इट इज नाउ अ वर्ड लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, पैटी जो है ये फ्रेंच वर्ड है, किंडरगार्टन जो है ये जर्मन वर्ड है, कैपिटल जो है लैटिन वर्ड है, डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड है, और बाजार या बाजार हिंदी वर्ड है. इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे आपको मिलेगा बुक में, फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हाँ, ये भी ढूंढना है, थोड़ी मेहनत करो, सब कुछ पका पकाया मतलब. जैसे ये बहुत सुना होगा तुमने, आजकल सुनते होगे, टाइकून, बारबेक्यू, जीरो, स्की, ट्रैक, रोबोट, वेरेंडा, ट्यूलिप, लोगो. ठीक है, ट्यूलिप फ्लावर से रिलेटेड. लोगो बहुत सुना है कि भाई इसका लोगो ये है, इसका लोगो वो है, वो बिजनेस टाइकून है, ये सब आपने सुना है. लेकिन खुद ही ढूंढ के थोड़ा सा करोगे ना तो फिर याद रह जाएंगे. नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड ट्रिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग. देखो भाई, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. द वर्ड्स वर लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लीजेंट एंड वेलकम. बताइए भाई, ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन बोली गई, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कौन कौन से है? The words were loud and clear, startling and unexpected, pleasant and welcomed. ये pleasant and welcome भरे तो थे नहीं, loud and clear भी नहीं थे, तो क्या हुए? Startling and unexpected. ठीक है, बाकी के जो तीन बचते हैं वो आप खुद करिएगा, वो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. It is as if they have the key
टू द पेरिजन एज लॉन्ग एज दे डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज आर अटैच टू देयर लैंग्वेज क्विकली लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज तो आर अटैच टू देयर लैंग्वेज. अब ऐसे में बता दूंगा तो ये सारे हो जाएंगे. अब आप अपनी अपनी ये दो बचते हैं इनको खुद करना है. डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यू विल गेट टू योर स्कूल वेरी लेट टू अर्ली अर्ली इनफ बता देना आप. आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल मास्टर जी के बारे में कहा था फ्रेंच ने. एम हैमिल हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट स्टूड ऑन द चेयर. हाँ भाई चलो ये बताइएगा इधर आके देखते हैं. दैट द इवेंट इन द हिस्ट्री ये नीचे और कुछ लिखा हुआ है इस तरह इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है इधर काम की कोई चीज है तो वो देखते हैं. राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट फॉर ए फोर्थ कमिंग इवेंट और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड और ए रूल टू बी फॉलोड. ये ठीक है ये करना है एक नोटिस लिखना है. ये तीनों क्वेश्चन करने हैं देख लो आप ध्यान से. राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. वेरी गुड एक पैराग्राफ यानी आप एक आर्टिकल की तरह लिखो. इस पैराग्राफ शब्द को आप काट देना यहां पे वर्ड लिखना आर्टिकल. राइट ए पैराग्राफ की जगह लिखो राइट एन आर्टिकल ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट वैसे डिबेट की तरह हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. आप इसको ऐसे बनाओगे राइट एन आर्टिकल ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग का कोई मतलब नहीं है फॉर और अगेंस्ट का भी कोई मतलब नहीं. आपको बताना है कि 3 लैंग्वेजेस एट ए स्कूल यू वैल्यू ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट ए स्कूल ऐसे बनाना है इसको लिखना है आर्टिकल के रूप में. ऊपर वाला एक नोटिस बनाना है. Have you ever changed your opinion about someone or something that you had earlier liked or disliked? Narrate what led you to change your mind. हाँ भाई किसी चीज के बारे में कभी आपने अपना नजरिया बदला है. अगर बदला है पहले लाइक करते थे और डिसलाइक करते थे ऐसा कुछ किया है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपके माइंड सेट को बदल दिया. जरा लिखिए कोई एक्सपीरियंस हो तो इसकी जरूरत नहीं है. ऊपर वाली दो चीजें एक नोटिस बनाना है जैसा कि लिखा हुआ वैसा ही और राइट ए पैराग्राफ की जगह है राइट एन आर्टिकल. कोई आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फेवर में नहीं करना है बस एक आर्टिकल लिखना है कि स्कूल में 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए जैसे हिंदी इंग्लिश. अब आप संस्कृत जापानीज फ्रेंच जो चाहो वो लिख सकते हो. ठीक है बस इसी के साथ खत्म करते हैं. ये हमारा हो गया है और इसमें इतनी ज्यादा काम की बातें नहीं है. जो हमें सीखना था हम इसमें सीख गए हैं और कल से शुरू करेंगे ये वाला लेसन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. ये बहुत सुंदर कहानी है एक इंडियन राइटर के द्वारा लिखी गई है. ठीक है बचपन की कहानी है दो बच्चों की कहानी है इसको आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी ये लेसन जो हमने किया है इसमें आपको फिर से बता दूं ये जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सभी आपको लिखनी है. ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 5 ये 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने हैं. बाकी जो लर्निंग का है जो जिंदगी भर एक्सपीरियंस रहेगा वो सब सीखना है. ये लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड कौन सा है ये सब सीखना है. ठीक है और ये लर्निंग है और ये तो जरूर ढूंढना है कि टाइकून किस भाषा का शब्द है बारबेक्यू किस भाषा का है जीरो किस भाषा का ट्यूलिप किस भाषा का. कल जब लाइव होंगे तो ये सब पूछेंगे. ओके बच्चों बाय फॉर नाउ अगले लेसन में मिलते हैं आपसे. लॉस्ट स्प्रिंग.